क्या बोल रहे हैं जेरी, इस तरह से बैठ के जाओगे, इस तरह से बीच में बैठ के जाओगे, ऐसे तो कृष्णा भी नहीं बैठता है। जेरी एसी की हवा ले रहा है, ये देखो है सांप ने बिल्कुल बैठा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल ज्योति यूके। आप सभी का स्वागत है, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जेरी के साथ जा रहे हैं घूमने, बहुत दिन बाद जेरी को लेके जा रहे हैं और जेरी मस्त मस्त एसी की हवा खाने में लगा हुआ है। जैसे ही जेरी को पकड़ना, जेरी सीधा बस अपनी जीभ से चाटने लग जाता है। चलिए चलते हैं आज घूमने। कृष्णा को गोदी बिठा लिया है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार बैठा हूँ। पहली बार? हाँ, पहली बार गोदी में बैठा हूँ। मेरे बहुत दिनों में नहीं बैठा। ओह माय गॉड, तुम्हें याद नहीं है? तुम हमेशा मेरी गोदी में ही बैठे रहे हो। जब मैं छोटा था तभी तो बैठता था। हाँ, छोटे में बैठते थे और बहुत टाइम से हम लोग गए ही नहीं है कहीं बाहर, तो कैसे बिठा दी गोदी। जेरी को देख लो, बीच में घुसा पड़ा है, इसको भी गोदी में बैठना है। ओए जेरा, कुछ हमें गोदी में बैठे हुए हैं और जेरी भी गोदी में बैठने की कोशिश कर रहा है और कृष्णा अंशु स्कॉर्पियो को याद कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो होती तो ज्यादा स्पेस होता, स्कॉर्पियो होती तो ऐसा होता, स्कॉर्पियो होती तो वैसा होता है ना। एसी चल रही है फिर भी जीप देखो कितनी लंबी निकाले हुए है। इतनी गर्मी लगती है तुम्हें, इतनी गर्मी लगती है तुम्हें। देखो देखो देखो, अब नींद भी आ रही है उसे। आज घूमने जा रहे हैं जेरी साथ में। अगर घर में छोड़ा होता ना अकेले, वापसी में आते जिस एरिया में छोड़ा होता है वो एरिया और जेरी दोनों पहचान में नहीं आते। पहचान में नहीं आते रियली, पता नहीं क्या है इस ब्रीड के साथ। वैसे मेरे पास पहले जो टाइगर था, कग्गू बोलते थे उसे, रॉटवीलर, तो उसे हम घर पे छोड़ देते थे तो वो इजली बना रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और इसे अगर हम घर छोड़ दें और इसको लगे कि सब लोग घूमने गए हैं और मुझे घर पे छोड़ दिया, तो घर ऐसा कर देता है ना कि बाद में जाओगे तो ना इसे पहचान पाओगे कि ये जेरी है और ना घर को पहचान पाओगे कि ये अपना घर है। ये हालत करता है। उन्होंने पूरा हेलमेट काट दिया, हेलमेट काट दिया, हाँ गद्दा पड़ा हुआ था उसे काट दिया और इतनी बुरी तरीके से काटा कि इसकी टंग में भी ब्लड आ रहा था। तो ऐसा कर देता है, ये अकेले नहीं रहना चाहता है, ये जहाँ जाएगा बस साथ रहेगा। वॉमिटिंग हो रही थी, जेरी को भी हमें उतार के बार बार घुमाना पड़ा, उसे गुड गुड फील कराना पड़ा, तब जाके हम लोग यहाँ अभी पहुँच पाए हैं। तो हाँ, अच्छा ओके ओके ओके, जय श्री राम लिखकर है ना बेबी। हाँ पहुंचते हैं फिर अभी।
लोग पहुंच चुके हैं साकल और एंट्री कर ली है हमने, और रास्ते में बहुत सारे एडवेंचर जगह भी है जो बोल रहे थे कि रुके रुके यही गाड़ी लगाइए एडवेंचर कराएंगे, बट डॉगी को देख के सब लोग कह दे रहे हैं हाँ आगे जाओ क्योंकि डॉगी को लेके कहाँ जाएंगे एडवेंचर पे। तो हम लोग अंदर आ गए हैं पार्किंग एरिया में। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही हमने सबसे पहले यहाँ से कंजी बनवा रहे हैं, नींबू पानी बनवा रहे हैं क्योंकि रास्ते भर वॉमिट कर करके इतना परेशान हो गए हैं, तो हमने सोचा चलो पहले नींबू पानी पिया जाए। फाइनली फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं झील की तरफ, आते ही सीधा झील की तरफ जा रहे हैं और यहाँ एक नहीं सात झीलें हैं और आई थिंक इसी वजह से इसका नाम सात ताल पड़ा हुआ है जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ था पीछे जो मैंने रीड किया था। तो अभी जा रहे हैं फाइनली। और सचमुच ये ताल सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है, शायद पेड़ों से घिरा हुआ है और बहुत अच्छा। अरे यार जारी ना मैं अब थक गया बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स फील करा रही थी, बट आप लोग के व्यू एंजॉय कीजिए, इतना प्यारा व्यू आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। सच में कैमरे से मे भी हो सकता है उतना सुंदर ना लग रहा हो पर लाइव देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ पहाड़ और घने पेड़ों से घिरा हुआ शांत एकदम से, और वाकई में सबसे सुंदर जितने भी ताल हैं यहाँ पर सबसे अच्छा ये लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है और कुछ एडवेंचर भी हैं जैसे जिप लाइन है वो भी होती है, और भी कुछ चीज़ें हैं नई जो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी हैं जैसे मिकी माउस वगैरह भी है, और अच्छा है आप किसी भी दिन यहाँ आने का प्लान बना सकते हैं, पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो लाइक ट्रैकिंग भी है, सब अच्छा स्पेस है, भीड़ भाड़ नहीं है, रस्ते बिल्कुल दूर हैं और यहाँ अच्छा लगता है, और जगह की अपेक्षा यहाँ बढ़िया लगता है। तो हम भी जा रहे हैं आगे ट्रैकिंग पर क्योंकि हम आए हुए थे तो बोटिंग तो हमने पहले भी कर रखी है, कई बार यहाँ आ चुके हैं, तो आज बोटिंग का मन तो नहीं है, आज हमारा ट्रैकिंग करने का मन है। तो हम लोग यहाँ पैदल पैदल आगे जा रहे हैं, देखते हैं। काफ़ी शांत एरिया है जहाँ हम ये ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, ये रोड बिल्कुल पहाड़ से लगी हुई है यहाँ पर, और देखिए पीछे इस तरह का ट्रैक है, यहाँ पे एक साइड झील है और एक साइड ही पहाड़ है और बीच में ट्रैकिंग पर है, और बीच में ही इनको एक ये क्या बोलते हैं इसको हिमालयन बाइक ATV अच्छा वो मिल गई है जिस पर ये बैठे हुए हैं, और मस्त मस्त चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं आगे जहाँ पर एक ट्री ऐसे स्विंग जैसा बना हुआ है जिस पर ये सब लोग बैठे हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है। हम लोग बस वॉक करते करते जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा हाँफने लग गई हूँ, ये थोड़ा स्पीड से चलना पड़ रहा था, जरी को पकड़ के खींचे ले जा रहा था, भागा जा रहा था तो देखना पड़ रहा था इसलिए। तो यह हांशु और कृष्णा ATV पर बैठे हुए हैं, ड्राइवर का पता नहीं है कहाँ पर है, तो ये अभी आराम से वेट कर रहे हैं कि कोई अगर आ जाता है तो हम इसकी राइड का भी मजा उठा लें, ताकि बैठे हुए हैं अभी। इसकी तो बाइक का लाइट लगा इस वाले ट्री तो नहीं है, ये कोई बेल जैसी है जो यहाँ पे डबल बेंड हो गई है ऊपर जाके और फिर ऊपर से निकल के वहाँ तक ये वाली है। तो ये कोई बेल है जिसकी वजह से झूला नहीं बन रहा है, ये वाली तो बहुत लाइट है, इसका लाइट कोई नहीं है, इसको तो मैं चला लूँ, इसमें ब्रेक नहीं है, नहीं ये वाला देखो कितना लोग बोटिंग कर रहे हैं। साइलेंसर होता है उस साल वो
और यहाँ पर कई और ताल हैं, जैसे सात ताल है ये, और अंगद ताल है, गरुड़ ताल है, राम लक्ष्मण जानकी ताल है, कई सारे ताल हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे प्लेस है, यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। तो चले बच्चों, हो गया, ड्राइवर का पता नहीं है, खाली बैठ लो, चला नहीं बैठ, बस बैठ सकते हो। ये देखो इसका हैंडल बहुत टाइट है। हाँ, बैठ कर फोटो खींच ली इनकी। ये लो, ये कहाँ से निकल रहा है, मैं बहनों के पास से निकल गया। ओके, और तुम लोगों को भी बैठना है इस प्राकृतिक झूले पर, बोलो। लो जेरी ने, तो जेरी को झूले से ही बांध दिया गया। ये लो जेरी, जेरा सिंह। बट बेबी बेबी, ये ना ट्री नहीं है, ये कोई एक बेल है जो यहाँ से गई है। हाँ, और ये देखो डबल बैंड हुई है बीच में, और ये वहां से निकल के ये देखो ये लटक रही है ना। ये भी तो है, ये तो ऊंची वाला है, बैठना नहीं है। पता चले खो गया तो क्या कर। जेरी जाना नहीं, जेरी आ जा इधर आओ, रिटर्न बाग ले जाएगा। बात मान जाता है, जो बोल दो वही मान जाता है। शाबाश जेरी, मुझे तो डर लग रहा था अगर खोल दिया से तो ये यहाँ भाग जाएगा। ओए जेरी मामा के पास में, ओए जेरी मामा के पास में, जेरी ओहो शिट, सुसु करने आ रहा था मामा के पास, बदमाश कहेगा, इसलिए मेरे पास आ रहा था सुसु करने। कितना सदान हो गया ये, मेरे पास आना था तो सुसु करके गया। ये देखो बच्चों के पास देखो जा रहा है। ओ जेरी अब तो, अब कहाँ जा रहा है, ओए जा कहाँ रहा है, यही रहो, इसकी चाबी होती चला दे। बाइक पे बैठना है, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो यहाँ पे, बैठा लो यहाँ पे, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, उछल के पता चले अगर जेल में कूद गया तो, इसलिए उठा के तो लेते हैं। अच्छा डॉगी तैर लेते हैं, वाह ये कृष्णा कृष्णा को तो यहाँ खेल मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जेरी भी खुला खुला घूम रहा है और हम लोग भी कोई भीड़ भाड़ नहीं, बढ़िया सा घूम रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मस्त मस्त लग रहा है बहुत। जरूर आइए, सात ताल घूम के जाइए, नैनीताल में तो बहुत भीड़ मिलेगी, सात ताल में जो मजा आएगा वो कहीं नहीं आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हेलो मजा जेरी।
पर सीढ़ियाँ भी हैं ये नीचे जाने के लिए झील में, बट जो नीचे वाली सीढ़ी है ना वो डैमेज है आई थिंक, या तो पानी नीचे गया हुआ है या फिर सीढ़ी डैमेज हो गई है। तो हम फिलहाल वहाँ नहीं जाएंगे, पहले हम सोच रहे थे वहाँ जाने की बट अभी नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा डेंजर रहेगा और हम पानी तो पहुँच भी नहीं पाएंगे, तो वहाँ नहीं जाने वाले हैं। जाना भी नहीं चाहिए ऐसे, अगर जाना है तो बोटिंग करेंगे, नहीं तो हम लोग रिटर्न हो लेते हैं यहाँ से, है ना। हाँ चलो आ जाओ बच्चों, रिटर्न हो लेते हैं यहाँ से क्योंकि हम पैदल पैदल बहुत दूर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ना पैदल पैदल बहुत दूर आ गए थे और मे बी शायद कॉर्नर पे पहुँचने वाले थे बिल्कुल, तो अब हम सोच रहे हैं रिटर्न चलते हैं क्योंकि ऐसे जाते जाते फिर थक जाएंगे और टाइम भी बहुत हो जाएगा और थोड़ा प्यास भी लग रही है। तो अब चलते हैं रिटर्न, अगर बच्चों को वोटिंग करनी होगी तो वोटिंग कराएंगे, अगर वोटिंग नहीं करनी होगी या जैसे कि जिप लाइन है यहाँ पे अगर बोलेंगे करने को तो कराएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं मैजिक भी। चलो चलते हैं, आ जाओ बच्चों, मस्त जगह है लेकिन सच में मजा आ गया बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया लगा और इतना बढ़िया शांत एरिया अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है रियली। पीछे से फिर से ईटीवी बाइक आ रही है रिटर्न, इसका जो पॉइंट है वही था पीछे जाम छोड़ आए थे जहाँ पर मैं बोल रही थी कि ड्राइवर नहीं है नहीं तो हम भी ड्राइव करते, ऐसा बोल रही थी मैं। राइड करने के लिए हमें उसी पॉइंट पे जाना पड़ेगा जहाँ पर ये ईटीवी बाइक्स खड़ी हुई थी, रिटर्न जाना पड़ेगा फिर वहाँ से फिर देन रिटर्न आना पड़ेगा। तो नो नहीं करते, मैं आपको फिर से वो ट्री दिखाती हूँ जो मुझे बड़ा यूनिक सा लग रहा था, जैसे बिल्कुल गहने होना जैसे लड़ियाँ होती हैं कानों के झुमके होते हैं उसी टाइप का ट्री है, दिखाती हूँ मैं। ये देखो दोनों उसी ट्री में लटके हुए हैं और मैं बोल रही थी ना कि कानों के झुमके जैसे जैसे लड़ियाँ होती हैं, हाँ इस तरह का फ्लावर है इसमें, ये देखो बिल्कुल लड़ियों जैसे लटके हुए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये पेड़ सच में, और यहाँ इनकी भी मस्ती स्टार्ट हो रखी है मजेदार ट्री है सच में, डिफरेंट है, मैंने ऐसा देखा नहीं था अभी तक। हाँ बेटा हाँ अच्छा बेबी रुको 1 सेकंड बेबी बस आ गई। तो ये मेरे बच्चे हाँ ऐसे कि बैठना है ऊपर बैठेगा, रुको इसको बिठा देते ये, अब बैठ जाओ ना सही से जैसे हॉर्स के ऊपर बैठते हैं, छोड़ो उसको हाँ ऐसे बैठो ये, अब मैं भी बैठूंगा, डर लग रहा है, डर लग रहा है किस बात का डर, पकड़ के बैठो बस मस्त मस्त। चलो मैं आपकी फोटो क्लिक करती हूँ, मैं सबको देखो बैठे रहना, मैं वहां से ले रही हूँ फोटो, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। अब मेरी तरफ को देखो, मेरी तरफ को देखो, अब इधर ये बैठे रहना, मैं वहां से ले रही हूँ फोटो, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। अब मेरी तरफ को देखो, मेरी तरफ को देखो, अब इधर ये। तो फ्रेंड्स ये लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं और मैं यहाँ नीचे खड़ी हूँ काफी अच्छा दिन रहा आज का काफी अच्छा दिन रहा आज का, बहुत मजा आ रहा है सच में प्रकृति के साथ, अब बहुत बढ़िया लगता है। अब उतरो, उतर के दिखाओ, उतरने वाला हूँ गाइस, कृष्णा नहीं उतर पाएगा, कृष्णा के लिए थोड़ा मुश्किल है, नहीं किशु भी उतर जाएगा, हाँ किशु स्टार्ट गाना जरा गा, उसे मजा कितना आ रहा है लेटने में देखो तो, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला है समझाने से, दिल दीवाना न जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, इधर आओ।
दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगेला है समझा। चलो फिर भाग आ जाएगा, जाने का मन नहीं कर रहा था इसका। कह दिया तो दौड़ के भाग गया। पेड़ पे लेटा हुआ था, जब चीटा चीटा कहा कि चीटा आ गया तब जाके उस पेड़ से उतरा ये जल्दी से घबरा के, और फिर इसके बाद पकड़ पकड़ के झूलने लग गया। मैं कह रही हूँ चलो चलो चलो, देर हो रही है, चलो। नहीं चल रहा, जैसे मैंने बोल दिया भाग आ जाता है, यहाँ पे सर से उतर के भाग गया। इतनी स्वीट से भागा मैं, फिर से पेड़ में जाना है सर। इतनी स्पीड से भागा ना बिल्कुल कि मैं रोकते रह गई, भाग गया। चलो आ जाओ, मजा आ गया ना। आ गया हो बच्चे, पीछे नहीं आ, ओहो इतनी बड़ी लकड़ी ले रखी है। चलो नेक्स्ट लेवल। हाँ चलो, कोई मुश्किल नहीं। वन सेकेंड। हाँ जंप, सीधा सीधा, नो हैंड। चलो आ जाओ जंप, यहाँ पे गिरेगा, जंप करो, जंप। ये आ जाओ, चलो लेवल थ्री। नो नो बेबी, वहाँ बिच्छू घास हो सकती है। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, बिच्छू घास हो सकती है वहाँ पे बेटा। नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं। तो गाइस वीडियो, अब हम वीडियो को एंड कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया था, 25-26 मिनट का। तो आगे का हम आपको बाद में दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर।